दोस्तों आज की इस वीडियो में रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस को डिस्कस करने वाली हूँ। यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कौन कौन से रूल फॉलो किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द हंटर शॉट द टाइगर, ये एक सेंटेंस है जो कि एक्टिव में है। अब इसको पैसिव में चेंज करता है। द टाइगर वाज शॉट बाय हंटर, तो ये रहा इसका पैसिव फॉर्म, द टाइगर वाज शॉट बाय हंटर। एक एक्टिव सेंटेंस जो है वो पैसिव में चेंज हुआ है, कैसे वो कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, उसी के हिसाब से पता चलेगा। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे कि रूल नंबर 1 बताया जा रहा है, व्हेन अ सेंटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस the object of the active voice becomes the subject of passive voice। मतलब ऑब्जेक्ट कौन है एक्टिव वॉइस का, द टाइगर, वो किस में बदल जा रहा है, सब्जेक्ट में। यानी कि जो चीज़ एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो चीज़ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में आ जाएगा। अब रूल नंबर 2, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस becomes the object of passive voice preceded by। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, द हंटर, तो वो पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। एंड द ऑब्जेक्ट इज प्रीसीडेड बाय, जो बाय है उसके ठीक पहले, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है हंटर उसके ठीक पहले बाय को लगा देना है। रूल नंबर 3, द मेन वर्ब इन द एक्टिव वॉइस इज चेंज्ड इनटू द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मस्ट बी प्रीसीडेड बाय वर्ब बी। मतलब कि मेन वर्ब जो है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में जाते जाते थर्ड फॉर्म ऑफ दैट वर्ब बन जाता है, और जो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है वर्ब का इज़ प्रीसीडेड बाय अ वर्ब बी, यानी कि एक बी वर्ब होना चाहिए शॉर्ट के ठीक पहले। बी वर्ब मतलब होता है वाज वेयर, बी वर्ब मतलब इज आर एम भी होता है, साथ ही साथ फ्यूचर में सेल विल भी होता है। बट यहाँ पे जो शॉर्ट है वो एक पास्ट फॉर्म है, इसलिए उसका वर्ब का थर्ड पार्ट जो आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म उसमें वाज शॉर्ट है। वाज एक बी वर्ब है और शॉर्ट जो है वो मेन वर्ब है, लेकिन वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसीलिए एक्टिव से पैसिव में जाते समय एक्टिव वर्ब जो है पैसिव वर्ब में बदल गया, यानी कि शॉर्ट है वो वाज शॉर्ट में बदल गया। नंबर 4, पैसिव वॉइस मस्ट टेक 2 वर्ब्स, यानी कि पैसिव वॉइस में जब भी हम लोग चेंज करते हैं तो 2 वर्ब जरूर रहना चाहिए, एक मेन वर्ब और दूसरा जो उसको सपोर्ट करे हेल्प करे, यानी कि बी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो यही कुछ बेसिक 4 रूल्स है जिससे आप लोग एक्टिव से पैसिव में इजीली चेंज कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा पैसिव। लेट अस स्टडी द चेंज इन द वर्ब फॉर्म्स फ्रॉम द टेबल, यानी कि टेबल को चलिए देखते हैं और इस टेबल में क्या क्या चेंजेस आते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त, ये सारा क्लियर हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट जब आता है तो उसमें एक्टिव वर्ब में हमेशा ऑफर या ऑफर्स ये दोनों रह सकते हैं, तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, एम इज़ आर प्लस ऑफर्ड, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हुआ। अगर सिंपल पास्ट में देखें तो उसमें एक्टिव वर्ब ऑफर्ड है और उसका पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा, वाज वेयर प्लस ऑफर्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में एक्टिव वर्ब जो आता है एम इज़ आर प्लस ऑफरिंग ऐसा आएगा, तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, एम बीइंग या फिर आर प्लस ऑफर्ड। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में भी एक्टिव वर्ब जो आता है वो वाज वेयर प्लस ऑफरिंग है, और उसको अगर पैसिव वर्ब में चेंज करेंगे तो वाज बीइंग या फिर वेयर बीइंग प्लस ऑफर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट उसके एक्टिव वर्ब में क्या होता है, हैज़ हैव यानी कि हैज़ या हैव प्लस ऑफर्ड। तो इसको पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? हैज़ या हैव बीन प्लस ऑफर्ड। अब पास्ट परफेक्ट, इसमें एक्टिव वर्ब है हैड ऑफर्ड और इसको पैसिव वर्ब में कैसे चेंज करेंगे? हैड बीन ऑफर्ड। ये एक टेबल मैंने बनाया है जिससे कि किसी भी टेंस का सेंटेंस आए उसके वर्ब को हम लोग एक्टिव से पैसिव में इजीली चेंज कर पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब में चेंज हो जाएगा। जैसे कि पहले हम एग्जांपल दिए थे शॉर्ट, वो सिंपल पास्ट है तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर उसको पैसिव वॉज में चेंज करेंगे। तो उसमें वॉज लगाए थे और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि शॉर्ट का थर्ड फॉर्म शॉर्ट ही लगाए थे, है ना? तब जाके वो एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब में बदल गया था और फाइनली पूरा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बदल गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।